अस्सलामुअलैकुम। तो हम शुरू करते हैं इस प्यारे से पिज्ज़ा के साथ। आज हम आए हैं भाभी पिज्ज़ा के पास। ये देखें, इन्होंने मज़े मज़े के पिज्ज़ाज प्रेप करके रखे हुए हैं, वो ओवन में डालने लगी हैं। दिस इज़ द थर्ड वन। और अभी हम आपको खाते हैं और इनका रिव्यू बताते हैं। ये इनका चिकन टिक्का पिज्ज़ा है। ये इन्होंने ऑलरेडी सॉस बेस, ये बेस आप खुद बनाती हैं जी? ये मेरी है, खुद बनाती हूँ। दैट्स नाइस, वेरी नाइस। ये इसका डेकोर कर रही हैं। दोबारा बनाए, एक मिनट दोबारा बनाए। देखें, इस पिज्ज़ा के प्रेपरेशन से ही लग रहा है कि ये पाकिस्तानी पिज्ज़ा है, क्योंकि यहाँ वाले पिज्ज़ों के ऊपर ना चिकन इतना नहीं होता। कहीं कहीं दूर दूर चिकन होता है, एक किलोमीटर के फासले पे। बिल्कुल, और यहाँ पे फ्लेवर भी नहीं मिलता। ये फजीता और टिक्का स्पेशली। ओके, दिस इज फजीता, राइट? एंड विच वन इज दिस? दिस इज चिका बूम। चिका बूम? Yeah. ओके, तो इसके ये इसमें फिलिंग हुई हुई है, राइट? क्रस्ट पिज्जा, वेरी नाइस। इसमें मैंने जस्ट इसको कटिंग करके और एड्स में मैंने चिकन डाला है और इसमें क्रीम है। चिकन क्रस्ट पिज्जा, दिस इज बेसिकली वेरी नाइस। चिकन क्रस्ट पिज्जा इट इज कॉल्ड इन पाकिस्तान। जब तक मैंने पाकिस्तान छोड़ा था तो ऐसी कोई नाम की चीज़ वहाँ नहीं मिलती थी। हाँ, लेकिन अब माशाल्लाह देखें क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। तो चलें, अब आपको हम प्रिपेयर होने के बाद दिखाते हैं। आपको इस स्टेज के बाद कितनी देर लगेगी ओवन में रखने के बाद? जस्ट प्री हीट है ओवन, तो जस्ट 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वेरी नाइस। तो चलें अब इसको हम ओवन में रखते हैं। तो आपके ज़्यादातर क्लाइंट्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं? यस, पाकिस्तानी स्टूडेंट है। वो कहते हैं मुझे कि हमें जो टिक्का फ्लेवर जो यहाँ पे नहीं मिलता, टिक्का और फजीता जो है उनको यहाँ पर नहीं मिलता, तो वो इसी का ज़्यादा डिमांड करते हैं, इसी का ऑर्डर करते हैं। दैट्स नाइस। चलें इसको फिर हम रखते हैं। ये जो है ये बेक हो चुका है। अच्छा माशाल्लाह, इट्स रेडी। इसको ऊपर से थोड़ा सा बेक करेंगे, तो इसको ऊपर वाले ओवन में शिफ्ट करें। ओके, स्पेशल सॉस है, मेरी ये भी होममेड है। अच्छा माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये तो सोने पे सुहागा है। आ जाओ फाइक मेरे पास बैठो, पिज्जा खा लो। सबको अस्सलाम वालेकुम कह दे। ठीक है, आप लें पिज्जा, लें फाइक। और आपको कैसा लगता है ऑस्ट्रेलिया? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। पाकिस्तान ज्यादा अच्छा लगता है या ऑस्ट्रेलिया? पाकिस्तान में ज्यादा रश होता है, इधर नहीं होते। और इधर की दुनिया बड़ी होती है, पाकिस्तान की नहीं होती। अच्छा, मतलब मुझे ऑस्ट्रेलिया पसंद है। ओह दैट्स वेरी नाइस। आमिर, आपका रिव्यू भाभी पिज्जा के बारे में? सबसे पहले गजब, मैं तो कहूँगा 10 out of 10। ऐसा पिज़्ज़ा वाकई इधर नहीं है। और ऊपर से जो फ्लेवर का चेंज आ जाता है, जैसे पेपीज उठाएं, क्या और टेस्ट है उसका, अपना टेस्ट, इसका टेस्ट अपना है, और इसका भी हर मुनफरिद टेस्ट है, बहुत अच्छी चीज़। और जो चीज़ अच्छी लगी, क्रस्ट अच्छी थी, सॉफ्ट थी, घर की बनी हुई हो तो और भी अच्छी होगी। स्टफिंग बहुत इवन थी, थोड़ा सा चिकन अगर ज़्यादा हो और भी अच्छी चीज़ है, लेकिन
जिस तरह से बैलेंस करके जो टेस्ट मैनेज किया हुआ, जो चीज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी और नेम जो नाम है वही टेस्ट भाभी भी था। 10 out of 10। हाँ जी मैर, मैं तो कहूँगा कि 10 out of 10 है। विदाउट एनी कुछ अहमद बहुत अच्छे बने हैं मेरे सारे, बहुत गजब का टेस्ट है सबका। आसिफ माशाल्लाह बहुत प्यारे थे, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा टेस्ट नहीं मिलता, पाकिस्तानी टेस्ट था, बहुत अच्छे मिले थे, मज़ा आया। फाइक आपको पिज़्ज़ा कैसा लगा? टेस्टी लगा है, बेस्ट पिज़्ज़ा। Food for soul. Oh, wow, that's especially good. The olives. Soul food was my favorite. And especially the olives. Yeah. सही बात है। That's good. चले ईशा से भी ले लेते हैं, इनके मुंह पे हमें बड़ी सी इमोजी चिपकाने पड़े। आपको मेरे मुंह को छुपाने के लिए करनी पड़े। बाकी ये कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी फूड ट्राई किए हैं, दिस इज द बेस्ट आई एवर ट्राइड। बाकी कीप इट अप, बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छे फ्लेवर जो कमिट किया है वो उन्होंने प्रोवाइड किया है, सुपर ग्रेट। आई ईट इट अबाउट आप सबको रेकमेंड करूंगी भाभी पिज़्ज़ा। मैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, प्लीज़ ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। आपका व्लॉग देखने का शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।